तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका योग नगरी जिसके इसके ढालवाला शहर से। तो अगर यहाँ के मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, नीला आसमान तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी यहाँ से अभी हमारी तैयारी है देहरादून जाने की, यानी कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आ रखा हूँ, तो अभी मेरे को अर्जेंट में देहरादून जाना है और उस काम को निपटा के मैं फिर से यहीं आ जाऊंगा। और कल जिसका हमने बर्थडे बनाया था, आज मैं उसी के घर में हूँ, यानी कि शिवम भाई। क्या हाल है बोला? बढ़िया भैया, बढ़िया। ये खमखाल गांव से है जहाँ से अखिल भाई है, तो इन्हीं की कार पे आज हम देहरादून जाएंगे। चले बोला फिर चले। बाकी तीन चार लड़के नीचे हैं, उनसे भी मुलाकात कराते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब नीचे जाने से पहले ठीक यहाँ पर छत के ऊपर ही एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे इनका मंदिर है, ये भी मेरे को काफी अच्छा लगा। यानी कि मंदिर छत के ऊपर ही बना रखा है किनारे पे, जो कि सबसे अच्छा है और सबसे उत्तम है। और चलिए जी, यहाँ देखिए सभी लोग। हाँ जी, क्या हाल है? कल रात का जश्न हो गया खत्म? तो इनकी अभी नींद नहीं खुली भाई, नींद खुल के बस बैठे हैं। अच्छा, मतलब शरीर जिंदा है तुम्हारा? चलो ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं। ये तीन तो यहीं रहेंगे, बाकी अखिल भाई, शिवम भाई और एक दोस्त और है, हम चारों जाएंगे। तो चलिए जी, जाने की बारी आ गई। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया भाई साहब, वैसे ही अपने सही पोजिशन में आ गए तीनों। नहीं तो इससे पहले अगर ऐसी पोजिशन थी कि मैं वायरल हो सकता था, लेकिन क्या करें। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है ठीक है। बाकी ये शिवम भाई लोगों का घर, और इनका यहाँ पे एक छोटा सा, ये 80 गज का एक छोटा सा खेत है, इस पे भी इन्होंने क्यारी लगा रखी है। देखिए जी, जगह जगह का फर्क होता है। यही खेत अगर गांव में होता तो इसको कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस शहरों में तो भाई साहब इसके लाखों में अभी वैल्यू है। तो ये है शिवम भाई लोगों की कार, हम इसी पे जाएंगे देहरादून। चलिए जी, मैं तो आगे बैठूंगा शिवम भाई के साथ। सफर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं। और ये जो पेट्रोल पंप है, ये है जियो कंपनी का। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ चारों तरफ गमले ही गमले और रंग बिरंगे उनमें फूल लगा रखे हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि हर जगह तो लड़के ही वैसे काम करते हैं, लेकिन यहाँ लड़कियां भी पेट्रोल भर रही है, काफी अच्छी बात है। यानी कि लड़कियों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे भी कहते हैं लड़का लड़की एक समान, तो अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा लगा ये देख के। चलिए जी, फाइनली पेट्रोल भरवा दिया है। तो ये है चंद्रभागा नदी। अभी हम जिस एरिया से जा रहे हैं, यहाँ हाथियों का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो जब गर्मियों का महीना होता है तो हाथी क्या होते हैं कि पानी पीने बाहर आते, तो कई बार सड़क पे आ जाते हैं और कई बार इंसानों से उनका आमना सामना भी हो जाता है। और यहाँ हर जगह बोर्ड लगाए रहते हैं कि हाथियों से सावधान। देखिए जी, देहरादून जाने के लिए वैसे तो एक हाईवे है, लेकिन हम बिल्कुल बाईपास होके जा रहे हैं, यानी कि ये है थानो रोड। यहाँ चलने में वो फीलिंग आ रही है जैसे गांव में चलते हैं ना, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस रास्ते में चल के ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल शहर से हटके होगा। और जैसे मैंने बोला था कि हमारे साथ एक और भाई जा रहे, वो है तक्ष भाई। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? सब बढ़िया सब बढ़िया। ये भी हमारे परम मित्र है, ये भी हमारे साथ आज देहरादून तक चल रहे हैं। चलो भाई, इस सड़क पे मैंने एक गौर किया है, हालांकि सड़क छोटी, लेकिन इसमें भाई साहब लगभग हर 50-50 मीटर के बाद ब्रेकर बना रखे हैं। वैसे सही भी होता है, क्योंकि कई बार लोग ओवर स्पीड में चलते हैं तो ब्रेकर को देख के ही ब्रेक मारते हैं, इंसान को देख के तो कोई नहीं मारता ब्रेक। बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरों में रहते हैं लेकिन वहाँ भी गाय भैंस पालते हैं, और उनके लिए डेली चारा लाते हैं। तो अभी हम जिस पुल के ऊपर चल रहे हैं तो इसी को थानो पुल बोलते हैं, और इसी पुल के वजह से ये सारा इलाका फेमस है, मतलब यानी कि इस पूरी रोड को बोलते हैं थानो वाली रोड। और थानो पुल को क्रॉस करने के बाद अब जो दूसरा पुल है, इस पुल को बोलते हैं बड़ासी पुल। एक सड़क पे चलते चलते मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पशु बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और कभी भी पशु आगे आ रहे हैं, इसीलिए भाई ड्राइवर को थोड़ा सतर्कता से गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम रायपुर वाली रोड पे एक स्टेडियम पड़ता है, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है। एक सामने पे है स्टेडियम। हाल ही में यहाँ बांग्लादेश और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ था, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ आईपीएल भी खेला जा सकता है। तो देखिए जी, समय भी क्या होता है, बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो सोचते थे कि बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन वो सपने सिर्फ बचपन तक ही सीमित रहते हैं। कुछ लोग तो उन सपनों को सच में साकार कर देते, लेकिन कुछ हमारे तरह भी होते हैं जो ब्लॉगर बन जाते हैं बाद में, और उन्हीं स्टेडियम को अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। चलिए, नसीब नसीब की बात है। तो देखिए जी, यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है वो खराब हो रखी है, और बाकी अंकल जी सारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी धर्मपुर मंडी के पास पहुँच गए हैं। तो चलिए जी, थोड़ा भाई को मिलने जाता हूँ जल्दी, और बाकी ये भाई तो यहीं पर रहेंगे। ठीक है, तक्ष भाई आता हूँ मैं भी, क्योंकि भाई जो है पीजी में रहता तो वहाँ ज्यादा अलाउड नहीं जाना, इसलिए मैं जाऊँगा तुरंत वापस आ जाऊंगा, अभी आता हूँ। और बाकी मेरे साथ अखिल भाई जा रहे हैं। तो चलिए, फाइनली मैं भाई के रूम तक पहुंच गया हूँ, और बाकी भाई तो अभी लाइब्रेरी जा रखा, वो बोल रहा मैं भी आता हूँ 5 मिनट में, बाकी यहाँ रहते हैं टॉप फ्लोर पे। तो चलिए जी, फाइनली मैं भाई के रूम में आ गया, यहाँ पढ़ना पढ़ना। ठीक है, और कैसे चल रही पढ़ाई? ठीक चल रही ना?
तो ये तुरंत लाइब्रेरी से भाग भाग के आ गया है। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी चले जी। ये है मेरा सबसे छोटा भाई, इसका नाम है रुपेश, और मैं इसी के डॉक्यूमेंट देने यहाँ आया था क्योंकि इसका फॉर्म भरना है वन इसने, और बाकी इसके लिए दादी ने एक स्पेशल मैसेज दे रखा था कि इसकी घिची पीना। चल भाई तो दादी के बदले मैंने घिची पी ली भाई दादी। बाकी देहरादून में रहता है, यहाँ पढ़ाई करता है, हालांकि लंबाई में मुझसे लंबा है, लेकिन ये सबसे छोटा भाई मेरा। बाकी जो दूसरा भाई वो गुजरात में होटल में जॉब करता है। चलो ठीक है, ये भी तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि इसका जो ओबीसी का डॉक्यूमेंट था वो मैंने रिन्यू कराया था, तो कोई आने रहा था ऊपर से, तो इसलिए फिर मैं जल्दी भाई मैं वहां से भागा और आज इसका डॉक्यूमेंट इसके हवाले करता हूँ भाई साहब ले, क्योंकि इसमें डेट जाने वाली फॉर्म भरने की। चलो दे देता हूँ इसके पास। अब देखिए जो पहाड़ों में ना डॉक्यूमेंट रिन्यू करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, अब तो खैर सब चीज़ ऑनलाइन हो गई, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी बोल के मैंने इसका जो डॉक्यूमेंट तो रिन्यू करवाया और इसका फॉर्म भी आ गया था कि भाई साहब मेरे को चाहिए किसी भी हाल में, तो ले भाई और पढ़ाई करना ठीक है बढ़िया ढंग से। और बाकी मैंने इसके लिए अरसे भी लाए वहाँ से, ये खुद लाए मैंने, मैंने कहा ये थोड़ा चाय में खाएंगे इसको सुबह सुबह चाय में ठीक है बस। तो चलिए जी इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि ये पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ये बोला है ध्यान रखना है, अब लगा मेरे से छोटा लगता है। ये मेरे से बहुत लंबा है भाई, ध्यान रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा नहीं जाना बड़ा। हाँ तो माँ के लिए इसने स्पेशल संदेश दे दिया कि माँ बड़े में मत जाना ज्यादा, यानी कि जंगलों में घास लेने ज्यादा मत जाना। चलिए फिर पढ़ाई कर हर दिन है ठीक है फिर है ठीक है, चलिए चलते यहाँ से। अब वैसे तो भाई लोगों ने बोला था कि चाय बनाते हैं, बल मैंने कहा नहीं भाई क्योंकि उनका पढ़ाई का टाइम है और उनके पेपर भी बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए मैं और अखिल भाई चल पड़े। बाकी भाई यहाँ घर घर में श्री रामचंद्र भगवान जी के झंडे लगे हुए हैं जो कि काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए जी दोस्त लोग तो यहाँ बैठ बैठ के बोर हो गए बेचारे, और हमने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो हम सोच रहे किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। और भाई जो देहरादून में सबसे ज्यादा फेमस है वो है विक्रम। जब मैं शुरू में देहरादून में आया था तो किसी ने बोला था कि वो विक्रम पकड़ना, मैंने सोचा वो जो बेताल विक्रम वाला विक्रम होता ना वो घूमता यहाँ कहीं, बाद में चला पता कि ये जो नीले रंग के होते हैं ये होते हैं विक्रम। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी वहाँ पे हैं, इस जगह को बोलते हैं रिस्पना पुल, यानी कि गांव में जितने भी पुराने बुजुर्ग होंगे ना देहरादून में वो कुछ और जानते ना जानते लेकिन रिस्पना पुल जरूर जानते हैं। और इस पुल का नाम रिस्पना इसलिए पड़ा क्योंकि इसके नीचे जो नदी बहती है उसको रिस्पना नदी बोलते हैं, और देहरादून का सबसे माना जाना और सबसे पॉपुलर जगह है रिस्पना पुल। यानी कि मैं भी जब पहले एक बार देहरादून आया था तो मेरे को इतना ही बोला गया था कि रिस्पना के पास खड़ा रहना बस। फिर से हम रायपुर वाली रोड पे आ गए हैं, तो रेस्टोरेंट तो हमें ठीक ठाक कहीं मिला ही नहीं क्योंकि गाड़ी में यही विचार बन रहा था कि अभी खाते हैं आगे खाते हैं तब खाते हैं, लेकिन आखिरकार खतरनाक भूख लग गई तो फिर हम यहाँ पे रुके हैं। ये एक वैन है छोटी, इसी पे भाई साहब ने सारा सेटअप रखा हुआ है। तो हमने यहाँ मैगी ऑर्डर करवाई है क्योंकि खाना हम घर में खाएंगे, अब थोड़ा हल्का मैगी खा लेते क्योंकि पेट में भयंकर चूहे कूद रहे भाई। हाँ जी ठीक हो, चलो ठीक है ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा कुत्ता है, इसको भूख लग रखी है, बेचारा बिल्कुल हेलो कर रहा है, ला 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 बार बार हमारे पास आ रहा है, तो हमने इसको बिस्किट खिला रहे, एक खिला भाई जितना खाते है। ठीक है जी, भूख तो भूख होती है, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो। तो चलिए जी गर्मा गर्म मैगी का आनंद लेते हैं।